कोरोना वायरस के संकट से पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में आसमान से एक बार फिर आफत आने वाली है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसे उल्का पिंड की पहचान की है जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एजेंसी ने अपने अलर्ट में कहा है कि करीब आधा किलोमीटर बड़ा उल्का पिंड धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। इसकी रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यह उल्का पिंड 6 जून को धरती की कक्षा में दाखिल होगा। यह उल्का पिंड अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। नासा ने इस उल्का पिंड का नाम रॉक 163348 रखा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये 6 जून को पृथ्वी की सतह के बहुत करीब से गुजरेगा। इसकी संभावित लंबाई 250 से 570 मीटर है और चौड़ाई 135 मीटर है। यह उल्का पिंड सूर्य के करीब से गुजरता हुआ धरती की कक्षा में दाखिल हो रहा है। बीते 21 मई को भी 1.5 किलोमीटर बड़ा उल्का पिंड धरती के काफी करीब से होकर गुजरा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस उल्का पिंड की धरती से टक्कर होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के चलते इस तरह के उल्का पिंड पृथ्वी के परिवेश में आखिरी समय पर भी प्रवेश कर जाते हैं। नासा के मुताबिक रॉक 163348 उल्का पिंड धरती के पास से रविवार को सुबह 8:20 पर गुजरेगा। धरती के इतने पास से इतना बड़ा कोई उल्का पिंड इसके बाद साल 2024 में ही गुजरेगा। इसकी गति 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी ये उल्का पिंड 11,200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।